पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता झुलस गई। आनंद फानंद में झुलसी विवाहिता को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां झुलसी विवाहिता की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं विवाहिता के परिजन ने पति सहित ससुराल पर दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जलाने का आरोप लगाया है। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव सत्तापुर निवासी जगदीश प्रसाद ने अपनी पुत्री रूपवती की शादी 3 वर्ष पूर्व कोतवाली दिरोरिया क्षेत्र के गांव नोवा नगला निवासी राजेंद्र कुमार के साथ की थी। जगदीश ने अपनी पुत्री की शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज भी दिया था। आरोप है कि शादी के कुछ ही दिन बाद से ससुराल जन विवाहिता के साथ मारपीट करते हुए अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा। मांग पूरी न होने पर ससुरालजन ने विवाहिता के साथ मारपीट कर केरोसिन छिड़क कर उस पर आग लगा दी, जिससे विवाहिता बुरी तरह झुलस गई। आनंद फानंद में झुलसी विवाहिता को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी बेहद गंभीर हालत बनी हुई है। वहीं ससुरालजन का कहना है कि विवाहिता खाना बनाने के दौरान झुलस गई। फिलहाल पुलिस ने झुलसी विवाहिता की नामजद तहरीर के आधार पर पति राजेंद्र प्रसाद सहित 5 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। दुरिया थाना क्षेत्र में 80% महिला जली है, क्या मामला था? ये कल एक तहरीर आई है, मृतका के पिता जो है जगदीश, उन्होंने तहरीर दी है 307/3/4 DPA, मुकदमा पंजीकृत हो गया है। महिला का इलाज जो जिला अस्पताल में चल रहा है, इसके अभी तक मजिस्ट्रेट द्वारा जो है उनका डाइंग डिक्लेरेशन करा दिया गया, आगे की कार्रवाई चल रही है।